جب نبی کا ترجمہ کرے گا تو جیسا متن ہے ویسا ہی ترجمہ ہوگا. تو قوموں کی زبان میں پیش لیا تاکہ قوم زبور کو بھی سمجھے، تورے کو بھی سمجھے، انجیل کو بھی سمجھے، مگر قربان جاؤ اپنے نبی پر. جیسا نبی کو اللہ نے دیا ویسا ہی قرآن نبی نے امتی کو دیا. ستر پچہتر سال ہوئے اور سنویدھان کو بنے ہوئے ستر سال سے بھی کم ہے، ایک سو سے زیادہ سنشودھن ہو گئے. بڑے بڑے ڈاکٹر نے مل کے بنایا تھا، بڑے بڑے پتھر نے مل کے بنایا تھا، بڑے بڑے ٹھیک نہیں ہے. ایک میرا سنویدھان ہے، وہ میرا بھی سنویدھان، لیکن امینڈمنٹ سنشودھت تحریف شدہ، اور ایک اللہ کا دیا ہوا قرآن. 1400 برس گزر گئے، 100 تو 100، ایک حرف بھی نہیں بن رہا جا سکتا. بدلا قرآن بدلا کی نہیں، ایک تو اس کی دلیل اپنی یہ ہے کہ اللہ ہی محبت. یہ تو نص ابھی سے ثابت ہے کہ مرزا کی حفاظت پہ قرآن کوئی قدر نہیں کرتا، تو جو جو اللہ کی حفاظت میں ہے بدلے نہیں جا سکتے. نہ غوث کو بدل پاؤ گے، نہ خواجہ کو، نہ اشرف کو بدل پاؤ گے، نہ محدث اعظم کو، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں جو چلا جاتا ہے. اور آج ایک بات دوسری بات، جب داؤد علیہ السلام نے زبور دیا تو زبور کے ساتھ اپنا اہل بیت نہیں دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات دیا تو موسیٰ نے اہل بیت نہیں دیا، اور جب عیسیٰ نے دیا دونوں نے بھی کوئی اہل بیت نہیں دیا، مگر جب مصطفیٰ نے قرآن دیا تو حفاظت کے لیے اہل بیت نہیں دیا. اسٹیٹ پر سے نارا نارا ورنہ کوئی نہ کوئی اس میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں فکسنگ تو نہیں ہے. مگر میں مانتا ہوں بہرحال ایک جماعت چاہیے تھے جو قرآن کے صحابہ
ہم دیکھنا چاہ رہا ہوں جماعت اسلام بہترین بغیر عمل کے چلا گیا
और ऐसे अमल वालों से अफजल वो कौन से आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो कौन से आजम जिसका कदम और न्याय पूरे जमीन के कानों पर हो, वो कौन से आजम जिसे निकलता हुआ सूरत सलाम करे। अफजल वो हो गया एक अमल है नहीं तो साबित क्या हुआ, साबी अमल से बनता ही नहीं है। जब साबी अमल से बनता ही नहीं तो साबी का अमल देखते का है तो जिसका घर मिट्टी से बना है मिट्टी चेक करो, जिसका घर आरसीसी से बना है तो राख सीमेंट सरिया चेक करो, और सहाबी तो निगाहे रसूल से बना है, माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुसाफा चेक करो। Oh।
और कुरान में मुराद इलाही को कैसे हटा दिया जाए, मंशा रब्बानी से तवज्जो कैसे हटाई जाए। कुरान पर ये हमला हो ही रहा था मदीने के ताक पर, कुरान को खामोश बैठा था, मगर इसे बचाने के लिए बहुत का कुरान करबला में चला गया। पीछे लोग खड़े होकर देख रहे, वो लोग भी देख रहे हैं। इमाम हुसैन को हम देख रहे, अमीर को पहचानने में, अमीर को पहचानने में इमाम हसन से ज्यादा कौन होगा, नबी को पहचानने में, अमीर को पहचानने में इमाम हुसैन से ज्यादा कौन होगा। कुछ लोग अपने फैसले किताब से ही करते के आदमी हम नाम कहलाते हैं, मैं हूं लिखने की आदमी, और कुछ और किताबें तो नहीं लिखी है क्या, मैं हूं मुसलमान की बोले किताब। अबे तो जो किताब समझता उससे पूछ, ये दूल्हा हमेशा के लिए रख लेना, हसन ही हुसैनी है, नस्ल हसन ने बहुत आजम दिया, नस्ल हुसैन ने गली नवाज दिया, गली नवाज ने अपनी रूहानियत से नस्ल हुसैन ही मखदूम अशरफ दिया। हम लोग ये कर लोग हसनी हुसैनी को दूल्हा करता हूँ, हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुना किया हम जंग नहीं करेंगे, और हुसैन ने जिससे जंग किया हम उसे सुना नहीं करेंगे। क्या कहें, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कांधे पर है इमाम कंधे पर, कांधे पर है इमाम हुसैन, कांधे ही देखा है बोला। जब उसने बात हो तो गाड़ी ना जाए, एकदम जब उसने बात इबादत में खड़ा हो जाए तो पीठ पर कौन बैठा। टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे और इमाम हुसैन पर हमारे लिए दोनों आता है, इमाम है मौला है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मशहूर है कि इमाम हुसैन उसके नबी तक पहुंचे, जैसा कि शैखुल इस्लाम वाले मुस्लिम रईसुल मुहक्किक तो फरमाते हैं सिक्के नबी है कुछ के नबी पर, आका ने तकबीर बढ़ा दी, बेटा ही कुछ है, बेटा ही रसूल सजदे चलते चलते आपने बताओ तुमने ये खाते हो कि क्या खाने से क्या तुमक मिलती है, क्या खाने से कौन सा प्रोटीन मिलेगा, क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा, जानकारी कर लो कि नमाज पढ़े से क्या मिलेगा। बन रहे हैं हवा चल पाते फर्ज तो पढ़ लिया, जाओ कभी खाना ना करनी पड़े नमाज जाते हो तो बात है, अगर सड़के में जाते हो तो वो नमाज जो पढ़ते और मौला के दरमियान पढ़ते उठाते कुर्बे खास तक पढ़ते
सुन सकते नहीं हम उसे पीकर मर गए। अब नबी को नफसियाती तौर पर देखो, बशरी तरीके से देखो, कि इस सिचुएशन में नहीं होगा पीक पर हुसैन सज्जे में रसूल। अब सज्जे में क्या पा रहा है, सुहाने में दिया जा रहा, सुहाने में दिया जा रहा, सुहाने में दिया जा रहा, तीन बार कैसे सर उठा सकते हैं। जब हुसैन पीक पर बढ़ गए तो गिनती पर सुहाने में प्राप्त मीरा है हुजूर।
बड़ी चाबी गुम हो गई उनकी। बताऊ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है लाकर में, फिर घर रहेगा जा दो रखा नमाज अपना क्यों कैसे नकली के लिए था उसको याद कहीं वो पाए के नहीं गए जब गया घर में मिले खुशी खुशी पीर साहब के पास आया बोला पीर साहब ने कोई तावीज दिया ना कोई जमन बताया ना कोई तरकीब बताई तू अगर नमाज करूंगा जानता था जैसे नमाज करता होगा तो दुनिया भर के ख्याल आता है मस्जिद खुशी में ये भी खयाल आ जाएगा चाबी का ये ना सिलसिले शकिया सरकार सैयद अली हुसैन के गंगा कड़ी से गुजरे रास्ते में देवा शरीफ वारिस उल औलिया सैयदना सैयद वारिस अली साहब डाकदार देवा वहां वगैरह खाली गया सुनो जी सुनो जी एम्ब्रॉयडरी में बदल पानी में लो पानी में आए ग्रोडियो सरकार ने देखभाल नहीं मधु की है अक्षर दुनिया जैसे पहुंचे मधु मुकम्मल न हाथ मिलाया न गले मिले आप से आंखें मिली बात हो गई और दोनों साथ सही है अक्षर दुनिया मस्जिद की तरह हो गए ये भी पीछे पीछे अशफी नाना ने नमाज पढ़ाई इन्होंने पीछे वो चले गए देवा में चर्चा का विषय बन गया आहन वाली से मांगे नमाज पढ़ी आहन वाली से मांगे नमाज पढ़ी इनके अदरों को नहीं मांगी आज नमाज पढ़ी है कि आज नमाज देखी है अरे बल्ला का वली है दिखाने के लिए नहीं बोलता तू कोई और जमात है दरवाजा खटखटा के कहती तीन दिन के लिए देख लो बीस दिन के लिए देख लो चालीस दिन के लिए जब तक दिखाना ले चैन नहीं खाना हरम अरे ये कहो आज दिखाई पड़े क्या बात बारिश से पाक नमाज पर लोगे दिखाई पड़े अगर चर्चा होने लगा खाटी में आया तब हजूर बहुत चर्चा हो रहा है आज आपने नमाज पढ़ी तब मैं रोज पढ़ू इमाम साहब के पीछे मैं रोज पढ़ू पर क्या करूं मैं भुट्टा हूं हजूर नमाज पढ़ू भुट्टा तो फिर से भुट्टा नहीं वो नहीं हमारा इमाम तरावी पढ़ा रहा है जवान है कैसे नमाज शुरू करता नियत अल्लाह हो कर देता तो दिल में उसके ख्याल आता है कैसे नमाज खत्म हो जाएगा एक मिनट में शैतान का इन पहुंचा मास्टर को बोलना है कि बच्चों का जो मैंने कपड़ा दिया वो सिल जाए भेजा कलेजी का है ना और हमारी बीवी बंगाली है तो उसके लिए थोड़ा मछली भी रहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खत्म हो गई है
कभी कसई बाजार जाता है, कभी सब्जी मंडी जाता है, कभी कसाई की दुकान पर ध्यान नहीं। भाई जब बाप ने कहा जब मैं पीछे खड़ा हुआ नियत की मैंने चार बेटा दबा पर वक्त एक दम आपके अल्लाह ताला के मुंह मेरा गरम आवा चली के पीछे ही ईमान तो जहां जहां ईमान जाए पीछे पीछे मैं ले जाऊं। मैं खुद आदमी मछली मंडी कैसे जाऊं, केदर की दुकान पर कैसे जाऊं, मुतमंदी के घर कैसे जाऊं, मैंने तुम्हारा पीछे इसी मांग लिया। अरे की चौचैन मुकद्दसा से आया अल्लाह अकबर कहा खुद भी पहुंच गया मुझे भी पहुंचा जिंदाबाद। नमाज जो है दुनिया का ख्याल एक बात और अकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसको समझना होगा। सलामती की भी दुआ नहीं कर सकते लेकिन मैं करो जो मकसद नहीं है सलाम तो नहीं कहा अल्लाह जानी कितनी की शहजादा है बैठा हुआ है अपना इलाका है दस मिनट बाद उतने बीस मिनट बाद बनिए हमारे अजीब का विवाह इधर इमाम हुसैन उतरे उधर ने अभी भी अपनी नमाज पूरी कर जहां सब जो शव किया न नदी ने नमाज को हराया कमर नमाज खराब नहीं हुई कम टू दी पॉइंट। इमाम हुसैन अपनी तमाम तक सदाकतों अदालतों सहाफतों शुजातों इमामतों सियादत के बावजूद उम्मती है क्या बात अपनी बुलंदी पर गुजरती और बुलंद पाइली के बावजूद उम्मती है हिमाचल उन्नति है कि नहीं नबी सत्य में उन्नति खाया नहीं वाह नबी सत्य में उन्नति खाया नहीं नबी की नमाज खराब नहीं हुई कहीं जाहिरों से पूछो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होती है। वाह वाह जिंदा वाह अब आते ही इसका तो ये इमाम हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया क्या बात है क्या कहते हैं आप इमाम हुसैन दीन है या दुनिया पूरी दुनिया को मैं आजादी देता हूं जो मन में आए सो बोल नक्शे सहारनपुर तक मैं इजाजत देता हूं जो मन में आए बोल दीन है कि दुनिया पर ख्याल रखना इमाम हुसैन को अगर तुमने दुनिया कहा बेकरार हुसैन पे नहीं होगा रसूल की जात पर सजदे इब्राहिम उम्मती का ख्याल दुनिया का ख्याल नवासे का ख्याल दुनियादारी का ख्याल अपनी दुनिया बचाने का ख्याल रसूल की नमाज पर एतराज होगा कि हालत नमाज ने रसूल की दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाई इसलिए हुसैन को दुनिया का कहो वो कहो जो ख्वाजा करीम नवाज ने कहा है कि नस्ल हुसैन अभी से कहो बगदाद गवाह है सैयदों को मिटाया नहीं जा सकता करबला गवाह है सैयदों को मिटाया नहीं अजमेर गवाह है वाह सैयदों को मिटाया नहीं जा सकता कि चौसा गवाह है
سیدوں کو مٹایا نہیں جا سکتا اور سلسلے جس اہل بہشت کی بہاریں گواہ ہیں سیدوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. یزید نے نہیں سوچا تھا حسین کی نسل کو ختم کر دو مگر تاریخ گواہ ہے حسین کی نسل کٹتی رہی مستقبل میں بڑھتی رہی. یزید نے گردن بچا لیا نسل ختم ہو گئی. بیٹے صحیح ہو گئے بھتیجے صحیح ہو گئے بیوی کا بچہ صحیح ہو گیا بھائی صحیح ہو گیا ایک امام گرو رات تین بچے چھا رہے حسین کی اولاد زمانے پر اور یزید اپنی موت بستر پہ مرا قتل نہیں ہوا. ڈھونڈنا پڑ رہا ہے نسل یزید کیا جلوا ہے حسین کیا جلوائے حسین. لوگ یزید تو بن جاتے ہیں جنہیں پیش کی لوگ یزیدی تو بن جاتے ہیں یزیدی کہلانے کی ہمت اور اگر کوئی حسین کی کہیں بھی بنا ہے تو فخر سے کہتا میں حسین ہی ہوں. سبحان اللہ بنا رہا ہے وہ یزیدی ہونے پہ شرمندہ ہے ہم حسینی ہونے پہ شرمندہ ہے. پیدا ہوئے نام رکھا گیا عالم بنے مولانا بنے مفتی بنے لیکن جو اپنی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور اپنی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آیا اسے اشرف شملہ کہتے ہیں. سبحان اللہ بے شک حضرت سلطان ابراہیم کوئی اولادی نہ چنا چھو بڑی فکر کی تھی میرے بعد اس کو کون سا ایک گھر بیچے کامل نے آپ کے کہا گھبراؤ نہیں ایک نہیں دو بچے پیدا اس میں جو ایک ہے وہ آسمان مال رت پر چمکتا ہوا سور ہے اس کا نام اشرف ہے پہلے کے نام دے کے چلے گئے 15 سال کی عمر میں بادشاہ 25 سال کی عمر میں چھوڑنے کا ارادہ کر دیا. یہ 15 سے 25 انجوائے کرنے کا نوجوان جو ہے واٹس ایپ چلانے کا موقع فیس بک میں اپنا فیس دکھانے کا واٹس ایپ یونیورسٹی چلانے کا ملا ایک نیوز پر بھروسہ کرنے کو من کر جانتے ہیں سوشل میڈیا میں 80% جھوٹ ہے پھر بھی پڑھنے کو من کر اور پکا ہے کہ قرآن میں سب سچ ہے کبھی پڑھنے کو دل نہیں ہے. کہاں ہیں آپ 80% جہاں جھوٹ ہے اسے روز پہنچے ہو اور 100% جہاں سچ ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھو گے مسلمان بنتے حیران کرتے جب 25 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ سے جگہ پالا کیا بڑا چھوٹا کی طرح جانا رہا ہے خدا میں جانا ہے خدمت اسلام میں
जाना है पैगाम इस्लाम को आम करने, जाना है मुंशी जी काफी की निस्बत लेने। इजाजत मासूम कुरान हदीस के मामले में आप निकले हैं कि माटी के अंदर ये जो अस्पत पैदा हुआ है पैदा होना ही कीमती है। अपनी पैदाइश को हल्के में तो लेते हो। आज मैं यहां दूसरी पर बैठ करके बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, पैदा हुआ कब? मोदी से आलम का एक बेटा मजूबे इलाही है, एक बेटा मुफ्तिरे मिलत है, एक बेटा सैफुल इस्लाम है। कहा पैदा हुआ क्या? पैदा ही नहीं होते, दावादत होते, मोदी से आदम को कहा था वो फकीरे मिलत जाके थे हाशिम। अरे तुम पैदा हुए इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, पैदा हुए तब वकील एना बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तब पैदा हुए तब। हमें सारी नियमतों की वजह तेरा पैदा होना है, तो सबसे बड़ी नियमत तो पैदा होना है। बहुत इसी पैदा को हिंदी में जन्म देते हैं, फारसी में पैदाइश करते हैं, अरबी में मिलाद करते हैं। तेरा मौलूद तेरी विलादत सबसे बड़ी है। तो देख विलादत के बारे में बात तीसरी तू कही शैन कमी वाले देंगे इंसान। डोंट मेक पार्टनर अपन 90 गुड फॉर पैलेंट। शिक न करो, मुत्तसलम जिक्र है मां बाप के साथ शुरू करो। अल्लाह के सवा किसी की इबादत न करो और मां बाप। वजह यह है कि तेरे पैदा होने में तीन ही का तो कर्म है, बेशक अल्लाह अब्बा अम्मा। किसी तीन जात में अब्बा का अंश है, अम्मा का फूल है, अल्लाह का हुक्म है। हमरे रब की तो जो तीन से दूर हुआ जाके वो अपनी पैदाई से ही दूर हो गए। अल्लाह से दूर हुआ तो माना जाएगा, बाप से दूर हुआ तो माना जाएगा, मां से दूर हुआ तो माना जाएगा। बस एक वाक्य बता कर क्या माना जाएगा। हुजूर की बारगाह में शादी आए तो नौजवान शादी से उनका यार गुजर रहा, हमारे अब्बा की एक आदत है जब आते हैं मेरी जेब में से रुपया निकाल लेते, कभी बक्सा खोल के निकाल लेते, पूछते भी नहीं, इजाजत लेते भी नहीं। मैं क्या करूं यार रसूल अल्लाह क्या करूं? मैं अल्फाज बता दूं जो सरकार ने करता है। अंता वो मानो का ले अभी तू तेरा मान के सुभानअल्लाह हिसाब लेगा बाप से, फिर हिसाब देगा बच्चों को। क्या कहते हैं अम्मा से हिसाब लोगे बीवी से नहीं लोगे। और यही हरकत अगर बीवी करे ना कहे कि इजाजत के शौहर के बच्चे से निकाल ले तो गुना है, और यही हरकत अब्बा करे तो उनका पाप है। क्या तो हमारी जैसी मामूली मीलाद का ये हाल है तो रहमत आलम की मीलाद का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो पैदाइशी वली बन के पैदा हुआ हो आगे तो गौसे जमाना बनना ही है। 25 साल की उम्र में अपनी अम्मा से कहा अम्मा इजाजत चाहिए, तो वालदा ने कहा अशरफ तू जब पैदा हुआ था कभी मुझे ख्वाजा खिज़्र ने बताया था कि ये तारीख सल्तनत होगा और दीन के लिए आगे जाएगा, बात छोड़ेगा, मगर मैं मां हूं
मैंने कभी पूछा नहीं, मैं इंतजार करती रही, खुद तुम कब गए? तत्काल ये छह महीने नहीं छोड़ पा रहे हो, विधायकी नहीं छोड़ पा रहे, संसद की सीट नहीं छोड़ पा रहे हो, खरीद फरोख करूंगा, गवर्नमेंट बनाऊंगा, एमएलए तोड़ूंगा, सरकार बनाऊंगा, इनसे पूछो कि बादशाहत तोड़ने का हौसला अपने आप में खुद एक करामत है, फिर से आदत है, और बादशाहत छोड़ने वालों में तमाम औलियाए काबिलीन में या और साफ रखूं तो औलियाए सिद्दीकीन में सिर्फ दो ही बली है जिन्होंने बादशाहत छोड़ा ताकि अल्लाह की मखलूक की तबलीग कर सके, मदद कर सके, और वो दो जो हैं, एक सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम है, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी है। मैं साहब सज्जादा खाने गरीब नवाज के नशीन को नजर करता हूँ कि मियां दो ही तरीके बादशाहत हैं और दोनों ही सिलसिले चिश्तिया में। सुभान अल्लाह, एक गरीब नवाज के तीनों मुर्शिद है, दूसरा गरीब नवाज का मुरीद है, मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद मखदूम सरदारी, पीर के पीर के पीर के पीर, सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम और गरीब नवाज, इन दो सुल्तानों के बीच में चमक रहे हैं, और मखदूम सरदारी के दरबार से ये भरोसा लेकर के जाओ, पहले सुन्नत के गरीबों अकीलों नाम, अमीर अमीर बनने के चक्कर में हराम नहीं लेना, अमीर बनने के चक्कर में गैरशरई हरकतें नहीं करना, गरीब हो तो रहो, इंडिया में अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं खतरा, साधु बन के अमीर बना खेत में, वजीर बना खेत चल रहा, अमीर है ईडी लगी है, हमारे यहाँ जब शर्मा लाते रमजान शरीफ के बाद ईद होती हम लोग ईडी दे, भाई अमीरों की हर ईडी नहीं ईडी क्या कैसा कैसे कल वजीरे आना आज घटिया वजीर कल वो ताजी है, गरीबों चूहे को अमीरों को आखिरी चूहा, आज मेरे को पत्थर से आए मेरे साथी जरूर, अमीरों को खतरा गरीबों को नहीं, क्यों? क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, गरीबों को बचाने